हैं सेंटर है हमारा नहीं नहीं थोड़ा ऊपर करो ओके ओके पुराना शहर फलकनामा पुलिस स्टेशन के अंदर एक नया रूप से शेख मैरिज हुआ एक्चुअली वो अरब शेख से यमन मस्कती ओमन सऊदी दुबई कुवैत शारजा वहां से आके यहां मासूम बच्चियां 16 इयर्स 15 इयर्स 17 इयर्स माइनर बच्चियों को कुछ ब्रोकर से पकड़कर वो मैरिज करता था छोड़ता था लेकिन दो तीन साल से पुलिस मीडिया दोनों मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन में उनको पूरा 100% कंट्रोल कर दिया कोई शेख यहां आके टूरिस्ट वीसा में थोड़ा शादी करने के लिए इतना हिम्मत नहीं दिखाया तो शेख क्या कर रहा है यहां कुछ ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है चारमीनार कुतुबशाही टॉम्स और ये हेरिटेज स्ट्रक्चर देखने के लिए आ रहा है लेकिन कुछ ब्रोकर्स के पकड़ के 3-4 लाख उनको खर्चा करके चुपचाप के एक काजी को पकड़ के उनको पैसा देके वो मैरिज कर रहा है वो निकाह नाम का पीछे फलकनामा भी रख रहे एक महीने दो महीने पूरा एंजॉय करके एक दिन ये निकाह नामा वो फलकनामा छोड़कर वो वापस भाग रहे पता नहीं उनको एड्स है कोई डिसीज है लेकिन ये मासूम बच्चिया क्या समझ रहे वो पूरा पेट्रोल ओपेक कंट्रीज का शेख से ठीक है हम गरीबी से कुछ हो उनको फैमिली को हेल्प कर सकते वो ऐसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेकिन ये पूरा झूठाबाजी है किसी को उनका प्रॉपर्टी नहीं दे रहे पूरा मन से प्यार से वो शादी नहीं कर रहे वो 70 इयर्स के ऊपर उम्र 75-80 इयर्स वो मरने के लिए तैयार है उस टाइम में वो शादी करके एक तमाशा एक खेल शुरू कर दिया तो हम सख्ती से एक्शन लिया है कुछ काजियां को वो ये गलत मैरिज शादी करने वाले उनको भी गिरफ्तार कर दिया उनको शीट्स ओपन कर दिया वक्फ बोर्ड से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में रिकमेंडेशन करके उनको निकाल दिया एक तो ब्रोकर्स को पीडीएस भी डाल दिया लेकिन अभी नया रूप से वो शुरू हो गया कुछ जॉब दिखाने के लिए उनका रिश्तेदार वहां रख के एक माइनर बच्ची को इसी रमजान ईद का पहले वो चीटिंग करके पहले मदर के पास गए सईदा तो मना कर दिया एक बच्ची का नाम नहीं बोल सकता हूं मैं 16 इयर्स का नवाब साहेब कुंता के रहने वाली थी उनका फादर एक फंक्शन हॉल में काम करता था वो मना करने के बाद उनके रिश्तेदार एक सिकंदर एक गौशिया गौशिया मस्कत यमन में रह रहे थे ये ब्रोकर 5 लाख लेके ये गुड्डे शेख से ये रुखसार को थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करके ईद के बाद उनको भिजाया अभी रुखसार 16 इयर्स का बच्ची है इतना रो रही थी वो मदर के साथ वो हैदराबाद आने के लिए इतना परेशान कर रहे वो शेख को 5 लाख देने के बाद भेजता हूं ऐसा बोल रहे तो ये केस रजिस्टर कर दिया चीटिंग 506-509 और पोक्सो एक्ट भी तो इमीडिएटली एसीपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया आज नाइट को जो जिम्मेदार है वो काजी हो कोई हाजी का नाम बोल रहे अहमद सिकंदर गौस ये गौशिया और अरब शेख ये बच्ची वही थी तो बच्ची को पहले टॉप प्रायोरिटी उनको वापस लाना कोई कंसर्न डिपार्टमेंट को हम कंसल्ट कर रहे हैं दूसरा ये गौशिया को सिकंदर को जो मैरिज कर दिया ये काजी को और एक ब्रोकर अहमद को बारकस रहने वालों को सबको गिरफ्तार करके नॉन बेलेबल सेक्शन करके रिमांड दिया